हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी समर ड्रिंक। और तरबूज शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ड्रिंक। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के और पे क्लिक करिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और जिसके लिए मैंने लिया है तरबूज, और उसको मैंने इस तरह से कट करके और इसके छोटे छोटे पीसीस में हमने काट लिया है। तो करीब ये हाफ के जी वाटरमेलन है, यानी कि तरबूज, और इसके अधिकतर बीज हमने निकाल दिए हैं, पर आप देख सकते हैं अभी भी इसमें बीज हैं। और तरबूज के बीज कड़वे नहीं होते, इसीलिए अगर ये पीसते समय अगर आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए हम लेंगे एक मिक्सी जार, उसके बाद हम तरबूज की सारी स्लाइस को मिक्सी जार में डाल देंगे। और स्लाइस डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी पाउडर शुगर। तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ पाउडर शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और पाउडर शुगर डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 टेबलस्पून नमक। और नमक डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी लेमन। तो मैं इसमें 1/2 नींबू डाल रही हूँ। नींबू डालने से एक तो ड्रिंक का टेस्ट और बढ़ जाता है और ऊपर से इसका कलर वैसे ही रहता है चाहे आप उसको 1 घंटे बाद पिए। इसमें डालूंगी फ्रेश पुदीना की पत्तियाँ। तो मैं 6 से 7 पुदीना की पत्तियाँ इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हम इसके लेड लगा देंगे। और लेड लगाने के बाद हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसको हम छानेंगे। तो एक स्ट्रेनर की हेल्प से मैं इसको छान लूँगी। और इसको छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा बीज होते हैं वो भी निकल आते हैं और जो रेशा वगैरह होता है वो भी निकल आता है। तो बहुत ईजिली इसको हम छान के निकाल लेंगे। तो अब मैंने 2 लिए हैं सर्विंग ग्लास। तो अब इसको हम सर्व करेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ आइस क्यूब। तो मैं इसमें 2 आइस क्यूब डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे पी सकते हैं। बाद में इसमें डालूँगी एकदम फ्रेश फ्रेश वाटरमेलन जूस। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई भी कलर नहीं डाला है, लेकिन अगर आप इसको 1 घंटे बाद भी पियेंगे ना तब भी इसका कलर ऐसे ही रहने वाला है। और इसको मैं गार्निश करूँगी पुदीना की पत्ती, और साथ में लगाऊंगी मैं तरबूज की स्लाइस। तो हमारी ड्रिंक बनके रेडी है। और आप भी इस तरह से ड्रिंक बनाइए और एंजॉय करिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।